लगातार पिछले 20 दिनों से वार्ड नंबर 16 गुलशन अरफात कॉलोनी की आवाम को पानी की किल्लत से परेशान देख एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अली मिलाई और वार्ड नंबर 16 से एसडीपीआई टीम ने हाल ही में कॉरपोरेशन कमिश्नर और वाटर वर्क डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम के जरिए इमीडिएट इस इशू को सॉल्व करने का मुतालबा किया था। एसडीपीआई के रिप्रेजेंटेशन के बाद फौरी तौर पर वार्ड नंबर 16 में वाटर पाइपलाइन इशू को सॉल्व कर गुलशन अरफात कॉलोनी की आवाम को राहत दी गई है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो एसडीपीआई के डेडिकेशन के बाद अमल में आया है। मोहल्ले के जिम्मेदारों ने एसडीपीआई टीम और खासकर अली मिलाई का अपना वक्त देते हुए इनकी परेशानी को दूर करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीबन 20 दिन से जो है ना पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही थी पाइप डैमेज होने से। तकरीबन लोगों के पास गए तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं लिए। बाद में जो है ने हमारे एसडीपीआई वाले से जाके ज़रा ये करने से जो है ना कल मैडम को और इनको मेमोरेंडम दिए कॉरपोरेशन में, तो आज माशाल्लाह कल से ही काम चालू हो गया और पानी का टैंकर भी सप्लाई हो रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा 50% काम हुआ है। इसके लिए हम तहे दिल से है ना एसडीपीआई वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। एक दो दिन पहले एक कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम भी दिए थे मई अलीम भाई हमारे मोहल्ले के पूरे तमाम लोग मिल के। अब जो है ना कल से इंशाल्लाह पूरा 50% काम हुआ है। मोहल्ले में जो भी पैंप डैमेज थे एक 5-6 पैंप तो निकाल के पूरे डैमेज निकाल के पूरे न्यू पैंप डाले हैं। पानी की जो है ना पानी का जो है ना टैंकर भी आ रहे हैं मोहल्ले में, पानी के टैंकर भी बांट रहे हैं। इंशाल्लाह और 2-3 दिन में काम मुकम्मल होगा। हम पूरी एसडीपीआई वालों का और पूरे हमारे ख़ास करके अली मिलाही साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने गुलशन अरफात कॉलोनी में जो पाइपलाइन वाईफाई की जो डाले थे तो खोदने की वजह से पाइप फूट गया था, तो मसले हो रहे थे पानी के वास्ते। तो एरिया के जिम्मेदार जमा होकर अलीम भाई एसडीपीआई को बुला के बात करके तो मसला सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलशन अरफात कॉलोनी के जो प्रिंस फंक्शन हॉल के बैक साइड में वार्ड नंबर 16 के लोग तकरीबन 100 से ज़्यादा घर पानी से महरूम थे तकरीबन 20 से 25 दिनों से। यहाँ पर जो एयरटेल फाइबर वर्क यहाँ पर चल रहा था जिसके वजह से टोटल ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइपलाइन है एलएनटी का वो पूरा पाइपलाइन डैमेज हो गया था। तो उसके बाद यहाँ के लोग लगातार यहाँ के वार्ड के कॉरपोरेटर और जो अथॉरिटीज़ हैं वाटर बोर्ड अथॉरिटीज़ कॉरपोरेशन इनको लगातार अप्रोच कर रहे थे 20-25 दिन से। इन लोगों को टोटल रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उसके बाद यहाँ के मोहल्ले के लोग